गुड मॉर्निंग साथियों, सुबह के 6 बज चुके हैं। आपका डीएलएड का क्लास शुरू हो चुका है। आज हम लोग चतुर्थ सेमेस्टर मैथ का पार्ट नंबर 11 देखेंगे। ध्यान से देखना, कोर्स लगभग बहुत कुछ ख़त्म हो चुका है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। क्लास को पूरा देखना, सब कुछ समझ में आएगा, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। देखिए साथियों, इसमें कह के आ रहा सवाल में पहले ध्यान से पढ़ते हैं। ये भी घन और घनाभ पर आधारित है। आज कुछ तबीयत गड़बड़ है, इस वजह से आवाज़ हो सकता स्लो थोड़ा सा। एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन दी गई है कि इसमें कहा है यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर हो। यहाँ पर रहेगा यदि, ठीक है। यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर हो, घन मीटर मतलब जानते हो, ये ऊंचाई चौड़ाई में आ गया, तो मतलब समझना कैसे करें। पहले जो दिया है उसी को लेके हम चलेंगे। यहाँ पर लिखिए चूँकि 1000 लीटर पानी का आयतन, 1000 लीटर पानी का आयतन बराबर लिखिए। टंकी ऐसे बना लीजिएगा, मैंने जो बनाया है 1000 लीटर का आयतन है 1 घन मीटर, इसको लिख लीजिएगा, ठीक। अच्छा बताओ, अगर 1000 लीटर पानी का आयतन इतना है, इसलिए 1 लीटर पानी का आयतन कितना होगा? 1 लीटर पानी का आयतन बराबर, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, आप जानते हो, 1/1000 लीटर हो जाएगा, है ना। और टंकी जो है वो टोटल 1331 लीटर पानी भर सकती है, इसलिए 1331 लीटर पानी का आयतन बराबर 1331 मल्टीपल इंटू 1/1000। इतना बात समझ में आई ना? ये कितना हो जाएगा फाइनल में? ये हो जाएगा 1331/1000, ठीक। अब ध्यान से समझना, टंकी की माप निकालना है ना, सिंपल सी बात है। आप जानते हो कि आयतन बराबर होता है भुजा का घात 3, है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हो टंकी की माप बराबर क्या हो जाएगा, देखो आयतन इतना दिया है ना। हम जानते हैं कि जो टंकी का आयतन होता है वो क्या होता है, या फिर कोई भी मतलब घन का आयतन जो होता है भुजा का घात 3 होता है। तो कुल मिला करके फाइनल में इसको चाहे तो आप ऐसे लिख लो भुजा का घात 3 करके, अंडर रूट करके, या फिर आप सीधा सीधा सवाल पे आ जाओ, बस ज़्यादा कुछ मत लिखो। ये 1331/1000 इक्वल ये हो जाएगा 11/10। 1331 का घनमूल निकालोगे तो 11 होगा, और 1000 का हो जाएगा 10, फाइनल में 1.1 क्या आ जाएगा, घन मीटर। ये टंकी का क्या हो गया, माफ हो गया 1.1 घन मीटर। बात समझ में आई? लिख लीजिए जल्दी से, या फिर वीडियो को पीछे करके नोट कर लीजिए। जल्दी करें, अगले सवाल पे चलते हैं, फास्ट करें। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है साथियों। अगर आपने 10वीं क्लास देखा था, जैसे आज 11वीं क्लास है, 9वीं और 10वीं क्लास देखा था, तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपके लिए होमवर्क होगा, इसको आप खुद से करना, ठीक ना। और इसमें जो आंसर आएगा 3.2 आएगा लगभग में, ठीक ना। क्या आएगा? 3.2 मीटर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग चलते हैं। ध्यान से समझना, इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसके पहले अगर अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आपको कुछ फ्री की क्लास यूट्यूब पर मिल सकें। देखिए साथियों, अगला जो है ये हमारे जो डेटाबेस के अकॉर्डिंग, अग्रवाल बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9 है, लेकिन यहाँ पर हमारी क्लास के अकॉर्डिंग 3 नंबर है, इसलिए हमने 3 नंबर लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए, नंबर कुछ भी हो इससे टेंशन मत लेना, बुक में कुछ भी हो इससे टेंशन मत लेना। आपकी किताब में पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल, ये टॉपिक अगर है तो टेंशन मत लेना, बस सिलेबस देखना, ठीक। चलिए, कह रहा कि विषम प्राकृतिक संख्याओं के घन विषम होते हैं, इसको हम सिद्ध करके आपको दिखाएंगे, होते हैं कि नहीं होते हैं, इसको सत्य असत्य बताना है बस। वैसे तो इसमें केवल टिक लगाना है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलने वाला भगवान का नाम लेकर के करने से, ठीक ना। तो होते हैं कि नहीं होते हैं ये करके देखना है। कह रहा कि विषम प्राकृतिक संख्याओं के घन विषम होते हैं। विषम संख्या मतलब जैसे हमने लिख लिया 7,
इसका घन करोगे, 7 × 7 = 49, 7 क्या हो जाएगा, 7 × 9 = 63, 7 × 4 = 28, 28 × 6 = 34, 343 विषम है ना। मतलब कोई भी विषम संख्या ले लो, जैसे कोई भी एक संख्या ले लो आप विषम, 3 × 3 = 9 × 3 = 27। तो जहाँ तक ये उम्मीद है पूरा कि विषम प्राकृतिक संख्याओं के घन जो है वो विषम ही होते हैं, कुछ भी ले लो एक, ठीक ना, ये लाइन सत्य हो जाएगी। इसके आगे आप सत्य लिख लोगे, ये सत्य है कि विषम प्राकृतिक संख्याओं के जो घन है वो क्या होते हैं, विषम होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सम भी होता है कोई ऐसी विषम संख्या जिसका घन करने पर, तो कमेंट करके बताना, ठीक। जैसे 11 का ले लो, 11 ग्राम में 121 ग्राम में 1331 होगा जो कि विषम है। अगला यानी कि ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, इसको सत्य लिख लेना, सम प्राकृतिक संख्याओं के घन विषम भी हो सकते हैं। क्या ये भी हो सकता है कि कोई सम प्राकृतिक संख्या है उसका घन करने पर विषम हो जाए? हमारे तो जानकारी के मुताबिक नहीं हो सकता है। कैसे, कोई भी नंबर ले लो, 8 का घन करते हैं तो 8 × 8 = 64 = 512 होता है, 2 का घन करते हैं 2 × 2 = 4 × 2 = 8 होता है, मतलब सब समी में जा रहा है। 10 का घन करोगे, सम संख्या है, 1000 होगा। इसका मतलब ये लाइन क्या है, गलत है, ऐसा हो नहीं सकता है। सम संख्या का घन जो है सम ही होगा, विषम का जो है वो क्या होगा, विषम ही होगा। यानी कि बस अब आगे ज़्यादा नहीं, समझ के ना, ठीक। ये भी क्या है, असत्य है ये। यानी अगर कोई सम संख्या उसका घन करोगे या वर्ग करोगे तो सम होगा, विषम है तो उसका वर्ग या घन क्या होगा, विषम ही होगा, और दूसरे फैमिली में नहीं जाएगा। किसी भी प्राकृतिक संख्या जो 3 का एक अपवर्त्य है का घन 27 का अपवर्त्य होगा, देखिए ये तो सवाल आपके ऊपर से उड़ जाएगा, बिल्कुल ना बैठेगा दिमाग। ये अपवर्त्य क्या होता है, अगर आपने सेकंड सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ा था तो हमने आपको वहाँ पे पढ़ाया था। अपवर्त्य को साथियों गुणज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणज। पहले इसको समझ लेना अपवर्त्य होता क्या है, उसके बाद तब इसको समझ पाओगे। अपवर्त्य को क्या बोलते हैं, गुणज भी बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझा दें, अगर कि 2 = हमने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, तो ये सब क्या हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये क्या हैं, ये 2 के अपवर्त्य हैं। क्या हैं, ये 2 के अपवर्त्य हैं। मतलब इसे समझ लो कि किसी भी संख्या का जो पहाड़ा होता है ना, वो उसका क्या कहलाता है, अपवर्त्य कहलाता है। समझ में आई बात ना, अब आप समझ गए होंगे। कह रहा किसी भी प्राकृतिक संख्या जो कि 3 का एक अपवर्त्य है, कोई भी प्राकृतिक संख्या जो 3 का एक अपवर्त्य है, मतलब लिख लो इधर सामने, काहे लिए दिक्कत हो, सिद्ध करके देखना है। सत्य असत्य करना होता तो हम करके दे देते, बस हो गया, चलो काम खत्म। देखिए आज कुछ गड़बड़ है हालत, थोड़ा सा हो सकता है आपको दिक्कत हो। ये 9, 12, 15, 18, 20 ऐसे ऐसे करते जाओगे तो आप जानते हो 3 × 9 = 27, 3 × 10 = 30, 33 भी होगा, होगा ना। अब फिर से देखो सवाल, बार बार देखो, हजार बार देखो, कोई संख्या 3 का एक अपवर्त्य है, चलिए ठीक है, इसमें से कोई एक संख्या ले लो जो 3 का क्या है, अपवर्त्य है। कह रहा है का घन 27 का अपवर्त्य होगा, उसका अगर घन कर देंगे तो क्या 27 का अपवर्त्य होगा? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसी सीरीज में तो आ रहा है ना, इसी सीरीज में आ रहा है। कोई भी एक संख्या लेकर के आप घन कर दो, और घन करने के बाद उसका अगर आप गुणनखंड करोगे तो आप पाओगे उसमें 27 कहीं ना कहीं जरूर आएगा, ठीक ना। इसमें से कोई एक संख्या लेके उसका घन निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा, ठीक ना। तीसरा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, लिख लीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बताना। चले आगे, अगला चौथा नंबर देखना। कह रहा कि सम प्राकृतिक संख्याओं का घन 8 से पूर्णतः विभाज्य होता है। भाई ये तो सीधा सीधा भंडा फोड़ कर रहा है। कह रहा कि किसी भी सम प्राकृतिक संख्याओं का जो घन है वो 8 से पूरी तरह विभाज्य होता है। चलिए करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम आपको दिखा दें 2
तो दो का घन अगर आप करोगे तो 8 आएगा। सम प्राकृतिक संख्या में अगर 4 ले लें, 4 चौक 16, चौका 64, अगर हम 5 ले लें, 5 25, 5 125, है ना। सम प्राकृतिक संख्याओं का घन 8 से पूर्णतः विभाज्य होता है। हाँ बिल्कुल होता है, सत्य है। ये नहीं जरूरी कि सभी, ऐसा इसने नहीं कहा है कि सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का घन 8 से पूर्णतः विभाजित होता है। अगर ऐसा कहा होता तो गलत होता, क्योंकि देखो अगर हम 5 का देखेंगे तो 5 का 125 होगा, 125 8 से नहीं कटेगा, ठीक ना। 6 का देखें, अगर 6 का 6 का 36, 6 का 216 होता है, 8 से काटोगे, 8 दूना 16 कितना बचेगा, 6 56 हो जाएगा, 8 7 56, ये भी कटेगा, यानी 5 वाला नहीं कट रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी, 5 का लेना ही नहीं है, सम का बोल रहा था ना, कह रहा कि सम प्राकृतिक संख्याओं, तो ये 2 का हो गया, ये 4 का हो गया, 5 का लेना ही नहीं, मतलब नहीं, क्योंकि विषम है। 6 का देखो हो गया, 7, 8 का देखो 512 है, ये तो होगा ही। 10 का देख लो क्या है, 1000 है, 1000 का देख लो भाग करके, कटेगा ना, 8 1 8, 8 दूना 16, 8 5 40, बिल्कुल कटेगा, सब कट रहा है। यानी कि किसी भी अगर आप सम संख्या है वो प्राकृतिक संख्या तो ऑलरेडी होगी, सम संख्या अगर है उसका घन करोगे तो 8 से पूरी तरह से कट जाएगी, करके देख लेना, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। देखिए ये सही गलत ही नहीं हो रहा, इसमें आप बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समझ रहे हो, याद रखना लाइफ में हर समय। साथियों आप लोगों का बहुत सवाल होता है कि आपको पूरी क्लास नहीं मिलती है ना, तो बस एक मिनट सुन लेना थोड़ा सा। अगर आप हमारी सभी क्लास को फ्री देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें PVR स्टडी सर्च करें फेसबुक पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह, हर एक सोशल साइट पर, और लाइक करके फॉलो कर लें, ठीक है, जिससे आप वहाँ पर देख सकें। लगभग 60 से 70% क्लास आप यूट्यूब पर नहीं पाते हैं, बल्कि फेसबुक पर आपको बिल्कुल फ्री मिल सकती है। लेकिन अगर कंप्लीट देखना है तो ज्वाइन कर लें, ऊपर नंबर दिया है। मुझे ये नहीं मालूम आप इसको ज्वाइन करने पर देख रहे हैं या फ्री में देख रहे हैं, लेकिन अगर पूरा देखना है, डेली देखना है, तो ज्वाइन करना होगा। बाकी ऐसे देखते रहें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इसके लिए कुछ भी नहीं देना है, लेकिन पूरा नहीं मिलने वाला। साथियों देखिए इसी क्रम में कुछ और भी हैं, ध्यान से समझना। देखिए बातों को हम पढ़ के सुनाएंगे तो आप अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक ना। ऋण पूर्णांकों का घन ऋणात्मक नहीं होता है। ऋण पूर्णांक अगर कोई है उसका घन करते हैं, क्यूब करते हैं, तो कह रहा कि माइनस में नहीं आता है, क्या ये सही है। जैसे हमने लिया 3, 3 का अगर घन करेंगे तो आप जानते हो कैसे होगा, इसको -1 * क्या लिख सकते हो, 3 का घात 3 लिख सकते हो ना, आसान हो जाएगा आपके लिए। तो बराबर ये हो जाएगा -1 * 3 * 9 * 27, और लास्ट में क्या आएगा, -27, माइनस में आएगा ना। इस तरह से कोई भी संख्या अगर लोगे ऋण में है तो उसका जो घन होगा वो क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। और इस बात के मुताबिक ये क्या है, गलत है, मतलब ये असत्य है, सही नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या 8 है। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो आप जानते हो 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 से स्टार्ट होती है, तो सबसे छोटी अगर पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 1 ही हो जाती है, हो जाती कि नहीं। जैसे देखो अगर 1 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। इस तरह से सबसे छोटी जो है पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या वो क्या है, 1 है, ठीक। यानी कि 8 जो है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगर सम की बात करें, सबसे छोटी पूर्ण घन सम प्राकृतिक संख्या, तो क्या हो जाएगा, तब तो हो जाएगा 8, लेकिन अगर वैसे रहेगा बिना सम ना हो उसमें, तो क्या होगा, गलत है, असत्य है, ठीक, इसमें असत्य कर लेना। अगला देखना, कह रहा कि सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या का अस्तित्व है, नंबर 7, बताओ है कि नहीं है। सबसे बड़ी अगर हम संख्या आपसे पूछें तो क्या आप बता सकते हो, आपने बताया 1 लाख, कोई दूसरा बताया 10 लाख, अगला कोई बताया 25 लाख, 28 करोड़, 100 करोड़, मतलब कितना भी बड़ा आप फेंक सकते हो ना, बड़ा से बड़ा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जो पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है उसको निश्चित नहीं है, मतलब अनिश्चित है, कहा नहीं जा सकता, उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, ठीक ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। मतलब अब आप हमारे कहने का मतलब समझ गए होंगे, अगर कोई जानता है तो बता दो सबसे बड़ी संख्या,
आप जो बताएंगे उसके आगे भी कोई जानता होगा, उसके आगे भी कुछ होगा, ठीक। हाँ, वन तथा माइनस वन के घनमूलों के निरपेक्ष मान आपस में बराबर होते हैं। देखिए साथियों, हमने आपको बताया था निरपेक्ष मान, जैसे वन का निरपेक्ष मान जो है वो ऐसे निकालते हैं, ऐसे ये चिन्ह होता है, इसके अंदर इसको लिखते हैं फिर बाहर आ जाता है वही नंबर। फिर अगर माइनस वन का निरपेक्ष मान बोले तो ये भी क्या होगा, इसके अंदर ऐसे ही लिखा जाएगा, बराबर क्या आएगा, ये माइनस वन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, प्लस लग जाएगा। कोई भी नंबर है अगर उसका निरपेक्ष मान निकालोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, माइनस कहीं नहीं आता। अतः ये ऑप्शन क्या है, सत्य है, इसको सही कर लीजिए। इस तरह से ये आप महत्वपूर्ण 8 बातें समझ चुके हैं परिमेय संख्या और प्राकृतिक संख्या के बारे में। अभी आगे देखना, क्लास छोड़ के मत जाना, अभी बहुत कुछ है इसमें, ठीक ना। बिल्कुल टेंशन मत लेना, पूरा क्लास देखा करिए। अगले सवाल भी आपके सामने आ चुके हैं, नंबर चौथा है, नंबर पाँचवा है। देखिए इसको तो हम बताने वाले हैं नहीं, चौथा नंबर आपके लिए होमवर्क हो गया, चूँकि आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़े हैं, कर लेना। पाँचवा देखिए, बहुत ही मुसीबत भरा लग रहा है, इसमें दशमलव भी लगा है, 0-0 भी है, 1 भी है, लेकिन बहुत आसान है। इसको आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, ये इसकी घात अगर 1/3 लगा के दे दिया जाए, रूट वगैरह ना लगाया जाए, तब भी इसका मतलब यही होता है, ठीक। कैसे करोगे, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से चलते हैं, आप ऊपर से दशमलव को हटा दीजिए। देखो 5 बार 0 है, 1 अंक और है, 6 अंक है टोटल, तो नीचे कितना 0 बढ़ेगा आपका, 6 0 बढ़ेगा, ये लो 6 0 हो गया ना, इसके ऊपर हो गया क्यूब का साइन, बस 1 का क्यूब आप जानते हो 1 ही होगा, है ना। अभी लेकिन हम कुछ ना करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना, अभी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, वैसे उतार लेना है, देखते जाओ। ये बताइए इसमें 6 0 है ना, 6 0 है, आपको टेंशन ना हो इसलिए, इसको हम 1000 × 1000 कर दें, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको फाइनल में 1 का क्यूब आप निकाल सकते हो, 1 होगा। अगर 1000 का क्यूब बोलें तो आप जानते हो 10 होगा, दूसरे वाले का भी क्या होगा, 10 होगा, फाइनल में गुणा कर लोगे, 1/ क्या होगा, 100 होगा, 100 होगा ना। नीचे 2 0 है तो 2 अंक पर दशमलव लगा दो, इस तरह से 0.01 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए 0.01 या 0.01 होगा, क्या होगा, टोटल तो 3 अंक है लेकिन 2 ही अंक पर दशमलव तो है। इधर देखो अगर ध्यान से, अगर 1/10 है तो क्या होता, 1/10 है तो क्या होता, 0.1 होता ना, तो अगर 100 है तो क्या होगा, हमारे समझ से तो यही होगा। देखो यहाँ पर 2 0 है तो 2 अंक पर दशमलव होगा, 1 0 रहेगा, बिल्कुल ठीक है, लिख लीजिए, ओके। तो अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हो आप, इसमें भी ये सवाल दिया गया है जिसमें 5 ही लगाया गया है, बट ठीक है जो भी है। देखिए आंसर कंफ्यूजन में अगर है तो इसको आप सिद्ध कर सकते हो, सही है कि गलत है। अब चलिए इसको हम प्रूव करते हैं, ये क्या है, सही है कि गलत है, क्योंकि ये बुक जो है उसमें कुछ और दिया है इसलिए मुझे कंफ्यूजन है। अब हम आपको क्लियर कर देते हैं अपना भी, 0.01 है ना, ये सही है गलत है। जैसे हमने लिखा था साथियों, मान लेते हैं क्या, 8 का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो 2 आता है, निकाल के देख लो। अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि 2 गलत है या सही है तो क्या करोगे, 2 का 3 बार गुणा कर दो बस, 2 × 2 = 4 × 8 आ गया ना, 3 बार गुणा कर लो। अगर किसी भी संख्या का क्यूब निकल के आया है उत्तर, उस उत्तर को 3 बार गुणा कर लो तो क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए हम भी देख लेते हैं कि इसका गुणा करने पर क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, अगर आ जाएगा तो सही है। चलो ठीक है, 0.01 × 0.01, अभी लिखना मत, × 0.01, आप जानते हो 1 का कितना बार भी मल्टीपल करो 1 ही आएगा, फाइनल में 1 आ गया। देखो 2 अंक पर दशमलव, 2 अंक पर, 2 अंक पर, 2 × 2 = 4 कितना होगा, 6 अंक पर दशमलव होगा। 1 अंक ऑलरेडी है, 5 अंक और बनाना है, 5 0 बढ़ा लो, 2 3 4 5, ये दशमलव हो गया है ना, ये 0 यहाँ लगा दो 1 आगे, जिससे जनाई पड़े कि दशमलव लगा है। देखिए वही तो लिखा था ना, इसका मतलब सही है, बुक वालों ने गलत आंसर दिया है, बुक से आंसर मत मिलाया करो, ये इतना दिया उन्होंने, इतना कैसे होगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा तब तो जी।
बात समझ में आई ना? तो ये सब बातें आपको आनी चाहिए, खुद आपको मास्टर बनना चाहिए, बुक के सहारे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि बुक में जो है ना, भगवान नहीं लिखते हैं, इंसान ही उसमें भी लिखे होते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो इसका आंसर आप समझ गए ना, 0.01 होगा। चलिए अगला सवाल नोट करिए तुरंत फट से, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, देर नहीं, टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैं बोल रहा हूँ, 3 सही 3/8 का घनमूल कर तो लोगे, हमें लग रहा है हर कोई कर लेगा, है ना? छठवां सवाल होगा ना आज का, छठवां नंबर। 3 सही 3/8 का घनमूल बताओ क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, 8 त्रिक 24, 24 3 क्या हो जाएगा, 27, 27/8 आएगा ना। इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। आप जानते हो घनमूल निकालना, 27 का घनमूल निकालोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 8 का निकालोगे 2 आएगा। दिस इज द राइट आंसर, 3/2 आ गया ना। देखिए ऑप्शन अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यार कुछ गड़बड़ है क्या? 1 मिनट रुकना, सॉरी 1 मिनट रुकना, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? 8 त्रिक 24 3 27, हाँ ठीक है, ओके ठीक है ठीक है। लेकिन इसमें आप एक बदलाव कर सकते हो, उत्तर तो ठीक है, हो सकता है आपको सही बटा में दिया हो, क्योंकि नीचे जो हर है छोटा अंश बड़ा है, तो आप ऐसे भाग कर लो, 2 1 2 1 आया। कुछ लोग आंसर मिलाते हैं बुक में, कहते हैं गलत है, तो ऐसे लिख लो 1 सही 1/2, ये फाइनल में राइट आंसर हो गया, उससे ज़्यादा वैल्यू होगी इसकी, ठीक ना? तो ये हो गए आपके 6 सवाल। चलिए सातवां पे आ जाओ। सातवां कह रहा है 0 पॉइंट और 5 बार 0 लगा के 8 है, इसका घनमूल बताना है। देखिए हम आपको पूरा टाइम देते हैं कि आप इसको लिख लो, अगर आपका दिल कर रहा है लिखने को तो छाप लो, लेकिन जो लोग नहीं छापते हैं हम क्या करें। और कुछ लोग क्या करते हैं, एक भी सवाल जो है अपनी कॉपी में नहीं लगाते हैं, इसको मूवी जैसे देखते हैं। जो ज्वाइन किए उनकी बात कर रहा हूँ, सोचते हैं हम तो ज्वाइन किए हैं तो अब सर कोई दवाई ववाई पिलाए देंगे और हम पास हो जाएंगे अच्छे से। तो ना हमारे पास कोई जादू मंत्र है, ना कोई दवा है ऐसी कि आपको दे देंगे और आप पास हो जाओगे अच्छे से। पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, एक एक सवाल लगाओगे, एक सवाल के बदले 4 सवाल खुद से करोगे तब आएगा। होमवर्क बीच बीच में देते हैं, ठीक ना? इसको आप क्या कर सकते हो, इसका घनमूल निकालना है। 5 0 है, 1 नंबर ये है, यानी कुल मिला करके आप एक के बाद में क्या कर सकते हो, 6 0 लगा सकते हो, ठीक? ये 10 दशमलव हटने के बाद आएगा, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम पहले बता चुके हैं। बस इसी का घनमूल निकालना है, आसान है ना? आसान है, बस कहते रहो आसान है, बिल्कुल आसान है। ये देखो 6 0 है इसमें, तो आप इसको 3 3 0 में अलग अलग तोड़ लो, ये 1000 × 1000 कर सकते हैं। फाइनल में आप पाओगे ये क्या हो जाएगा, 8 का घनमूल जो है 2 होता है, निकाल के देख लो, 8 का घनमूल 2 होता है। 1000 का घनमूल 10 होता है, और दूसरे भी 1000 का 10 होगा, इस तरह से इसको काट दो, 2 से 2 1 कम 2 2 5 10, 1/50 आएगा। 1/50 को जब 10 दशमलव में करोगे 0.2 आएगा। कुछ लोगों के दिल में उलझन सी होगी कि कैसे आ गया, ये ऐसे आ जाता है। देखो 1 नीचे 5050 है, ऊपर 10 दशमलव बढ़ा लो, क्या करोगे, यहाँ 0 उतार लो, 50 यहाँ बगल में 0 उतारोगे ना, ऊपर 10 दशमलव बढ़ाओगे तो, या फिर इसको छोड़ो, ये कम पुराना तरीका है, बुढ़ा हो गया, नया वाले पे आओ। 50 से भाग करना है 1 में, है ना? पहले 0 बार तो जाएगा, 1 बार नहीं जाएगा तो जाएगा, 0 बार हर किसी में जाता है। 1 आया, आप फिर 0 बार ले जाओगे कोई मतलब नहीं, 0 बार ना ले जाओगे, अब 1 बार ले जाओगे, लेकिन 1 बार ले जाएंगे तो अफसोस की बात ज़्यादा हो जाएगा। 10 दशमलव बढ़ाओ, अब यहाँ 0 उतारो, क्या करोगे, 0 उतार के जाएगा, अब भी ना जाएगा, 1 बार 0 उतारा तब भी ना जा रहा है, फिर क्या करेंगे, 1 0 और उतारेंगे। लेकिन जब 2 0 उतारते हैं तो आपने पढ़ा होगा ऊपर क्या होता है, 1 0 ऊपर बढ़ा देते हैं, जब 2 0 साथ में, कोई भी 2 अंक साथ में उतारते हैं तो। इसको दूसरे तरीका से समझो तो 1 बार यहाँ 0 बार और ले जाते तब दूसरी बार बढ़ाते 0, ठीक? तो कुल मिलाकर के फाइनल में ये कितना आ गया, 100। और यार लेकिन फिर गड़बड़ हो जाएगा क्या, ये
0.2 आएगा या 0.02 आएगा, देखिए इसको हम आपको क्लियर कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये आंसर राइट है। ओके, जो उधर लिखा वो गलत है। कितना आएगा देखिए, ये सही आंसर है। अच्छा हुआ जो मैंने भाग कर लिया, वो गलत है। कैसे, देखो मैं सीधे करके दिखा रहा हूँ, टेंशन मत लेना, लास्ट में सीधे करेंगे। ये भी हमने लिख दिया, ऐसे कुछ लोग लिख देते हैं जल्दी में, और हमें भी कन्फ्यूज था, है ना, वो गलत है। ये सही है, कैसे, देखो अगर इसको हम राइट आंसर मानते हैं, और चलो इससे हम इसको लाते हैं, देखो आता है कि नहीं। दो यहाँ पर लिख लो, देखो यहाँ दो अंक पर दशमलव था ना, नीचे दो जीरो बढ़ाओगे, 2/100 आया ना, इसको काटो, 2 से 2 कम 2, 1/50 आ गया ना। लेकिन अगर इसको माने होते तो इसको 2/ क्या होगा, 1 अंक पर दशमलव है, नीचे 1 0 बढ़ाओगे, ये 2/10 होता है, 2 से काटोगे, 2 1 कम 2, 2 5 10, ये तो सारा सिस्टम है बदल दे रहा है, 1/5 हो जा रहा है, 1/50 आना चाहिए, यानी वो गलत है, ये सही है। बात समझ में आई ना, तो अच्छा हुआ जो हमने इसको आपको सिद्ध करके दिखा दिया। वैसे हमारी यही कोशिश होती, कहीं भी डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, आपको सिद्ध करके दिखाते ही हैं, तो टेंशन मत लेना। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कहीं गलत लिखा है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, कोशिश करना, एक्टिव रहना, ठीक ना, एक्टिव रहना, तभी कुछ होने वाला है। वरना अगर हम बोलेंगे गाय को बैल है तो आप बैल भी बोलते जाओगे, इमली को कुत्ता बोलेंगे तो कुत्ता बोलोगे, तो होने नहीं वाला कुछ, ठीक ना। ये नहीं कि जो बोले वही बोलते जाओ, खुद से भी दिमाग लगाओ, हाथ पैर मारते रहो। हमारी कोशिश होती है कि आपको 99.9% एकदम करेक्ट आंसर दिया जाए, लेकिन कहीं से अगर खुदा ना खास्ता हो जाता कुछ गड़बड़ तो अपने सुझाव भेजिएगा। इसको तो कर लोगे आसानी से, कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए 1/3 लिखा है घात ना, 1/3 का मतलब जानते हो क्या होता है, अंडर रूट नहीं, ये क्यूब रूट होता है। ये अभी मैंने आपको बताया था कि चाहे 1/3 लिखा चाहे क्यूब लगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो साथियों इसको आप कर लोगे, देखो माइनस में 343 अगर है, इसका निकालोगे तो आप जानते हो कितना होता है, 7 × 49 = 343 होता है ना, यानी ये माइनस में आएगा, -7 आएगा, क्या आएगा, -7 आएगा, कर लेना आगे चाहे तो इसको। तो फाइनल में आपका -7 इसका हो जाएगा, 512 का आप जानते हो क्या आएगा, 8 आएगा, इस तरह से क्या आएगा, -56 आएगा। देखो इसमें कुछ दिया भी गया है क्या, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो तुरंत बता देना, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, बिल्कुल ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा हम कुछ हल नहीं कर रहे हैं, हाँ आप एक काम कर सकते हो, इसमें अगर आपको एग्ज़ाम में दिखाना है कहीं ये बड़े क्वेश्चन में आ गया, वैसे बड़े में तो नहीं आएगा, ये जो है छोटे ही ऑप्शन वाले में ही है, बहुविकल्पीय में, तो आपको केवल आंसर निकालने के लिए आएगा। बाकी अगर बड़ा में करना होगा तो आप इसका गुणनखंड कर देना, 3 × 3 × 3, इसको 2 × 2 × 2, ढेर सारा बड़ा कर देना, 3 लाइन कर देना, जोड़ा बना के फिर निकालना, तो थोड़ा 2-3 लाइन बढ़ जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 नोट करिए, क्या कह रहा है, ये बहुत कुछ कह रहा है अपने में। कह रहा कि 12, 18, 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होगी, क्या है, 12, 18 और 25 से। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, 12, 18, 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी, क्या है, छोटी से छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या क्या होगी, कुछ भी है लिख लो बस ऐसे, ठीक। देखिए 12, 18 और 25 से विभाज्य बोल रहा है, छोटी से छोटी बोल रहा है, तो देखो छोटी से छोटी का मतलब तो सीधा से सीधा है कि पहले क्या होगा, एलसीएम होगा, अगर बड़ी से बड़ी बोलेगा तो एचसीएफ होगा, ये आप पढ़े हो सेकंड सेमेस्टर में भी। तो सबसे पहले देखो अगर कोई भी, अगर इस पे कोई एक संख्या बोलता, कोई एक संख्या, तब तो हम कुछ कर सकते थे, लेकिन अगर कई संख्याएँ हैं तो उनका क्या करते हैं, पहले उनका गुण निकालते हैं आपस में। जैसे अगर आपको दे दिया जाए आम संतरा अंगूर, आपको 3-4 चीज़ें दे दिया जाए, उनके जूस पे अध्ययन करिए, मतलब दोनों सभी में मिला के क्या समानता है, तो क्या करोगे, सभी को पहले एक में मिलाओगे ना, तब आगे कुछ करोगे, है ना, मतलब, या फिर आप अलग अलग निकाल करके उनके सैंपल को मिलाओगे। तो ऐसे क्या करते हैं, इन सबको पहले एक ऐसा चीज़ इनका निकालते हैं जो एक में मिले सब में, ठीक ना। तो क्या करेंगे, पहले आप इनका एलसीएम निकाल लो, 2 से काटोगे 2 × 12 = 2, 9 = 18, फिर 2 से काटोगे 2 × 3 = 6, 9 = 25, 3 से काटोगे 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, फिर 3 से काटोगे फिर 5, देखिए ये
चीज़ें आपको आती हैं, इसमें बताना नहीं है, है ना। ये क्या हो गया, एलसीएम निकालना है। दो दूना चार, तिहाई बारह, तिहाई छत्तीस, पंचे फिर पाँच का गुणा कर लो, छत्तीस का पच्चीस में गुणा कर लो, फाइनल में आपका आएगा क्या, ये पच्चीस छक्का 150 हासिल आया, पंद्रह पच्चीस तिहाई पचहत्तर, पचहत्तर में पंद्रह जोड़ोगे हो जाएगा 90, कुल मिला के 900 आया। 900 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। लेकिन अभी इतने में आंसर नहीं हुआ, कह रहा कि छोटी से छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या क्या होगी। देखो ये तो हमने एक स्टेप कर लिया साथियों, इसका अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसे पूर्ण घन बनाना है। ये तो छोटी से छोटी हमारी जो संख्या हो गई 900 आ गई इनसे मिला करके, मतलब 900 जो है क्या है, 900 इन सभी से पूर्णता विभाज्य होगी, लेकिन अफसोस ये पूर्ण घन है नहीं, तो पूर्ण घन कैसे होगी, इसको अब हम पूर्ण घन बनाएंगे। इतना लिख लिया ना, अब आप लोग दोबारा से गुणनखंड करना, हम दोबारा से नहीं करेंगे, ठीक। नीचे आप लोग फिर से लिखना, गुणनखंड करना पूर्ण, आप नीचे क्या लिखोगे लिखिए। अब हमें ये हम अपने अकॉर्डिंग लिखवा दे रहे हैं, 900 को पूर्ण घन बनाना है, ठीक है। अब हमें 900 को क्या करना है, पूर्ण घन बनाना है। आप लोग नीचे फिर से क्या करोगे, 900 का ऐसे गुणनखंड कर दोगे अगली लाइन में, ठीक कर लोगे ना, बात को समझते जाना। यहाँ पे सब कुछ हम करके ना दिखाएंगे हर चीज़। तो अब क्या होगा, चलिए आप जानते हो कि जो इनके गुणनखंड आए हैं उनको ज़रा ध्यान से देखो तो दो दो के जोड़े बन रहे हैं सब में, दो दो के बन रहे हैं ना। और अगर इनका हम क्यूब निकालेंगे तो कितने के जोड़े बनने चाहिए, इनको थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, ये देखो तीन भी है ना, हाँ ये पाँच गुणा पाँच। साथियों अगर इनका पूर्ण घन बनाएंगे तो तीन तीन के जोड़े बनना चाहिए। आफत की बात ये है इसमें एक दो कम है, नहीं तो तीन का जोड़ा बन जाता, इसमें भी एक तीन कम है नहीं तो तीन का बन जाता, इसमें भी एक पाँच कम है, सभी में एक एक मिला दो ना अपने तरफ से। ये लो अभी समझते जाना, टेंशन मत लेना। हमने क्या किया, इसमें क्या किया, एक दो और मिला दिया ये अपनी तरफ से, और इसमें भी क्या करेंगे, एक तीन मिला देंगे अपनी तरफ से, इसमें भी क्या करेंगे, एक पाँच मिला देंगे अपनी तरफ से। अब देखो ये पूर्ण घन बन गई, सभी का घनमूल भी आ जाएगा, ये दो गुणा तीन गुणा पाँच, दो तिहाई छः पंचे क्या आ गया, तीस, क्या आ गया, तीस आ गया। मतलब तीस कब आता, यानी ये क्या बन गई, पूर्ण घन बन गई, पूर्ण घन बन गई। लेकिन प्रॉब्लम की बात क्या है, ज़रा ध्यान से समझना, कितना कम था इसमें, एक दो कम था, एक तीन कम था, एक पाँच कम था, कुल मिला के तीस कम।